दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआर कैसे बने। दोस्तों अगर आप एचआर बनने चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एचआर क्या होता है, एचआर बनने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एचआर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एचआर का काम क्या होता है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एचआर की सैलरी कितनी होती है और आपको कहाँ जॉब मिल सकता है, यानी कि एचआर को कहाँ जॉब मिल सकता है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जाने कि एचआर किसको कहते हैं। दोस्तों किसी कंपनी में एम्प्लॉयज या वर्कर को मैनेजमेंट और भर्ती की प्रक्रिया के काम और समस्त रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को देखना होता है, उसे एचआर या एचआरएम दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एचआर का मुख्य उद्देश्य कंपनी को उच्च मार्ग में लेना और बदले में कार्य के अनुरूप वर्कर या कर्मचारी को टाइम से सैलरी देना होता है। दोस्तों एचआर कंपनी की रिक्रूटमेंट भी करता है और एम्प्लॉयज जो है जिसको हायर करता है उसको सैलरी भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई एम्प्लॉयज को छुट्टी चाहिए तो उसका अप्रूवल जो भी है वो एचआर ही लेता है। एम्प्लॉयज के अटेंडेंस ट्रैकिंग भी एक एचआर ही करता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एचआर क्या है और एचआर का काम क्या होता है। दोस्तों एचआर का काम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले प्रत्येक वर्कर और कर्मचारी के हित और उनका हक का ध्यान में रखना भी होता है। दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉयज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको सर्टिफिकेट देना, फिर उसको अप्रिशिएट करना, वो सारा काम एचआर का ही होता है। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बंदे को टेंशन है, तो उसको अच्छे से गाइड करना, मोटिवेट करना काम भी एक एचआर का ही होता है। दोस्तों एचआर का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एचआर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। दोस्तों एचआर की जिम्मेदारियों में ये आता है कि उनको जॉब एड्स को पोस्ट करना होता है और सबमिट किए गए रिज्यूम को ऑर्गेनाइज करना होता है। दोस्तों एचआर इंटरव्यू भी लेता है, इंटरव्यू की जो वैकेंसी है वो भी पोस्ट करता है। अगर कोई एम्प्लॉयज इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उसको उसके लिए समय मैनेज करना, उसका इंटरव्यू लेना, जो वो रिजेक्ट हुआ या पास हुआ है वो सारा कंफर्मेशन जो काम है वो भी एक एचआर का ही है। अगर कोई एम्प्लॉयज सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू में तो उसकी उसको ज्वाइनिंग करवाना और उसका फॉर्म कम्प्लीट करवाने का काम भी एक एचआर का ही होता है। दोस्तों कंपनी कार्य प्रणाली के अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना ये काम एचआर का होता है। दोस्तों कर्मचारी की न्यू फाइल तैयार करना, कर्मचारी और वर्कर का ईएसआईसी एंड पीएफ का नंबर जनरेट करना, वो भी काम भी एचआर का ही होता है। दोस्तों कर्मचारियों के सभी सवालों का जवाब देना और आने वाले मेल को भी पास ऑन करना, वो सारा काम एचआर का होता है। दोस्तों डेटा को अपडेट कंप्यूटर में करना और उसको दर्ज करना और जिसे कर्मचारी का रिकॉर्ड जो है वो बना रहे, वो सारा काम एक एचआर का होता है। दोस्तों पैरोल का रिव्यू करना और उसको चलाना, फिर बेनिफिट स्टेटमेंट को अपडेट करना का काम भी एक एचआर का ही होता है। दोस्तों पेमेंट होते हैं उसके इनवॉइसेस को अप्रूव करना और कंपनी के लिए क्या बेनिफिट रहेंगे आगे जाके वो देखना भी काम एचआर का ही होता है। वर्कर की सैलरी होती है वो प्रोसेस करना, फिर वेजेस शीट कम्प्लीट करना, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मेंटेन करना, कर्मचारी को छुट्टी देना है या नहीं देना है वो सब देखना, वो सारा काम एचआर का ही होता है। एचआर कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एचआर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों एचआर बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री यानी कि बीबीए करना पड़ेगा, उसके बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो जिसे हम एमबीए एचआर कहते हैं। अगर आप एमबीए एचआर कर लेते हैं तो आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं और आप स्पेशलाइजेशन एमबीए एचआर में करते हैं तो आपकी सैलरी भी भविष्य में बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों एचआर बनने के लिए आपका इंग्लिश बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं सारे मेल करने होते हैं, इसमें आपको प्रोफेशनली वे में बिहेव करना होता है, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको वर्ड एक्सेल में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम उसी में मैनेजर मेंटेन करना रहेगा।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एचआर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों कंपनी के लिए न्यू एम्प्लॉयज हायर करना, फिर जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसका इंटरव्यू लेना, उसमें अगर पर्सन ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है तो उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस देखना, फिर वो पर्सन के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, उसका रिकॉर्ड रखना, न्यू पंचिंग यानी कि न्यू ज्वाइनिंग की पंचिंग करवाना और उसकी सैलरी डिसाइड करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की ही होती है। अगर कोई एम्प्लॉयज कंपनी में मिसबिहेव कर रहा है तो उसको कंपनी से निकालने का काम भी एक एचआर का ही होता है। दोस्तों न्यू ज्वाइनिंग का बैंक अकाउंट ओपन करना, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को ट्रैक करना, अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए उसका बायोमेट्रिक्स करवाना या फिर मैनुअल अटेंडेंस का ट्रैक रखना, वो भी एचआर का ही काम होता है दोस्तों। और मंथ वाइज अकाउंट डिपार्टमेंट को सैलरी के लिए अटेंडेंस शीट देना, अगर एम्प्लॉयज को सैलरी या फिर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो एचआर ही सॉल्व करता है। एचआर कंपनी में एक बैकबोन कहो तो भी कम है दोस्तों। दोस्तों कंपनी में जितने भी फेस्टिव यानी जितने भी डे सेलिब्रेशन आते हैं और जितने भी फेस्टिवल आते हैं वो साले सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी भी एक एचआर की ही होती है। अगर कोई एम्प्लॉयज का बर्थडे आता है तो उसको सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयज की ही होती है। कभी ऑफिस में मीटिंग होती है या ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है तो वो सारा कंडक्ट एक एचआर ही करता है। तो एचआर का काम बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। दोस्तों अगर एम्प्लॉयज को कॉल या फिर मेल करना हो, अगर कोई एम्प्लॉय को सैलरी या फिर बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम आ रही हो, वो सारा सॉल्व एक एचआर ही करता है दोस्तों। और सैलरी इंक्रीमेंट की प्रोसेस भी एचआर ही देखता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एचआर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एचआर की सैलरी हमेशा उसके वर्क और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 25,000 तक हो सकती है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, 15,000 से लेके 50,000 तक भी हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अब हम जानते हैं कि एचआर का फ्यूचर स्कोप क्या होगा। दोस्तों एचआर मैनेजर कंपनी का मजबूत हिस्सा है, वो तो आपने देख ही लिया है कि जो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। पहले इंडिया के बाहर एचआर होते थे, अब इंडिया के हर एक कंपनी में एचआर का महत्व ज़्यादा हो गया है और फ्यूचर में उसका स्कोप भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे जैसे कंपनी बनेगी और आगे जाएगी उसके साथ एम्प्लॉयज की जरूरत भी बढ़ती जाएगी और वो लोग कंपनी का मैनेजमेंट और मेन पावर हैंडलिंग के लिए एचआर को इम्पोर्टेंस भी देते ही जाएंगे। दोस्तों इस हिसाब से एचआर का फ्यूचर स्कोप तो बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी एचआर रिलेटेड अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।